हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू स्पोर्ट्स यार्ड। मेरा नाम है राज, नाम तो उस नहीं होगा। तो फास्ट बॉल से किसको डर नहीं लगता? ऐसा कोई प्लेयर नहीं होगा जो खेलना चाहे फास्ट बॉल। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि कोई भी ऐसा प्लेयर है नहीं जो फास्ट बॉल खेलना चाहता है, बस फर्क इतना है कि कुछ लोग खेल लेते हैं बढ़िया फास्ट बॉल को और कुछ लोग नहीं खेल पाते हैं। तो अगर आप बनना चाहते हो ऐसा आदमी जो कि फास्ट बॉल को अच्छे से खेल सके, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें मैं कोशिश करूंगा ये समझाने की कि आप कैसे फास्ट बॉल को अच्छे से फेस कर सकते हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा शुरू करेंगे। तो फास्ट बॉल खेलने की जो कहानी है, मतलब जो प्रोसेस है, वो सिर्फ उस दिन नहीं शुरू होती जिस दिन आप खेलने जा रहे हो, वो एक दिन पहले से शुरू हो जाती है। यानी अगर आपको फास्ट बॉल खेलनी है तो आपको एक दिन पहले से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो टिप नंबर वन है बी मेंटली प्रिपेयर्ड। तो मेंटली प्रिपेयर होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जैसा कि हम सब जानते हैं कि फास्ट बॉल खेलना सारा आपके मेंटल एटीट्यूड पे ही है, ठीक है। अगर आपका एटीट्यूड है कि आप खेल सकते हो तो आप खेल लोगे, अगर आपके दिल में है कि मैं नहीं खेल सकता यार मुझे डर लग रहा है, तो आप नहीं खेल पाओगे। तो वो मेंटल एटीट्यूड आपको बनाना कैसे है कि आप खेलोगे? तो उसमें पहली चीज क्या है, गेटिंग ऑल योर गेयर रेडी। यानी फास्ट बॉल जब भी खेलना हो उसे एक दिन पहले आप अपना जो भी सामान है, पैड, ग्लव्स, पहले से ही रेडी करके रख लो। अभी छोटी सी बात है, लोगों को अभी नहीं समझ आएगी, बट अगर आप रखते हो तो आप थोड़ा मोटा स्ट्रेस फ्री हो जाते हो। तो आपके दिमाग में सिर्फ मैच रहता है, ना कि ये रहता है कि अरे यार मैं कुछ भूला तो नहीं। तो एक दिन पहले ही सब कुछ रेडी करके बैठो। और इसी के अंदर दूसरी जो चीज आती है वो है गेटिंग अप वेल रेस्टेड। यानी जब भी आप उठो पूरा रेस्ट के साथ खड़े हो। यानी 8 घंटे की नींद जो है वो बहुत जरूरी है। अगर आप 8 घंटे की नींद नहीं लेते हो तो आपका काम खराब हो सकता है। हो सकता है आप कितने मर्जी बढ़िया प्लेयर हो, अगर आप पूरी नींद नहीं लेते हो तो वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगी, चाहे वो बैटिंग करने में नुकसान पहुंचाए या फिर आपका मेंटल एटीट्यूड है वो गिरा दे या फिर आपको थकावट महसूस कराए। तो जिस दिन आपको खेल, जिस दिन आपका मैच है, उससे एक दिन पहले अच्छी नींद लो और खाना खाओ ढंग से, अच्छा खाओ, हाइड्रेट रहो और थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को प्रिपेयर करने को फास्ट बॉल खेलने के लिए। यानी अपने दिमाग में उस चीज़ को इमेजिन करो कि आज मैं ऐसे फास्ट बॉल खेलूंगा, ऐसी बॉल पे ऐसे मारूंगा। ये चीज़ सुनने में तो अजीब सी लगती है कि यहाँ पे सिर्फ सोचने से कुछ होता है क्या, बट जब हम सोचते हैं तो हमारा दिमाग क्या है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर होगा तो ही आप फास्ट बॉल खेल सकते हो, अगर आप डरोगे तो नहीं खेल सकते। नेक्स्ट टिप क्या है, गेट ए बॉलर। जिस दिन आपका मैच हो उसे एक दिन पहले या उससे उसी सुबह को किसी बॉलर को कहो कि वो आपको बॉल डाले, उसे कहो शुरुआत करे मीडियम पेस से, उसके बाद धीरे धीरे वो अपनी स्पीड बढ़ाए और लास्ट बॉल जो आप खेलो कोशिश करो कि वो लास्ट बॉल उसकी फास्टेस्ट बॉल खेलो। तो इससे क्या होगा, जब आप फास्ट बॉल खेलते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपके अंदर ये होगा कि अगर मैं इसकी बॉल खेल सकता हूं तो उसकी भी खेल सकता हूं। तो गेम यही है, कॉन्फिडेंस का गेम है सारा। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, क्रिकेट गेम है कॉन्फिडेंस का। जिस दिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा उस दिन आप खेल जाओगे अच्छा, और जिस दिन हाई नहीं होगा उस दिन आप नहीं खेल पाओगे। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो कॉन्फिडेंस आता है प्रैक्टिस से। तो एक बॉलर को बोलो कि मुझे बॉल फेंके और उसे खेलो और कोशिश करो उसे रन मारने की। और अगली टिप ये है कि जब भी आपका चांस आए कि हाँ भाई अब आपको बैटिंग करने जाना है, तो कोशिश करो कि आप जाओ कॉन्फिडेंस के साथ। यानी जाओ जब भी तो सबसे पहले तो जो बैट्समैन आउट होके आ रहा है उसको कहो वेल प्लेड, और उसके बाद जाओ क्रीज की तरफ पिच को देखते हुए। फास्ट बॉलर को जो बॉलिंग कर रहा है उसको कहीं से भी ये लगना नहीं चाहिए कि आप डरे हुए हो, दिखाओ कि आई एम द बेस्ट। फास्ट बॉलर को डर लगना चाहिए। अगर उसको फास्ट बॉलर का जहाँ कॉन्फिडेंस कम हुआ वहाँ आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। तो आपको ये कहीं नहीं दिखाना है कि आप नर्वस हो, हंसते हंसते जाओ, पर ज़्यादा भी हंसना नहीं है कि आप बस छोटी सी स्माइल लेके जाओ अपने चेहरे पे, ताकि फास्ट बॉलर को ये लगे कि आपको उसकी बॉल से डर नहीं लग रहा। तो उसके अंदर भी कुछ कॉन्फिडेंस डाउन होगा। और पिच पे जाओ, जो बैट्समैन खेल रहा है उससे पूछो कि बोले किस हिसाब से आ रही है, ज़्यादा बाउंस हो रही है, कम बाउंस हो रही है, उससे भी काफ़ी फर्क पड़ता है। फोर्थ है टेक योर पोजीशन। तो पोजीशन के बारे में एक वीडियो हमने बनाई है, वो चेक जरूर करना, उसमें बताया है क्या पोजीशन बेस्ट होती है। अगर आप नहीं जानते तो अगर आप बढ़िया पोजीशन में रहते हो तभी आप बढ़िया खेल सकते हो। अगर आपकी पोजीशन है ज़्यादा लूज है, आपका सर ऐसे रहता है बैटिंग करते वक्त, आइज लेवल नहीं होती, तो फिर क्या होता है कि हम बॉल को ढंग से देख नहीं पाते, हम जज नहीं कर पाते बॉल कहाँ आ रही है। जैसे कई लोग मेरे से पूछते हैं कि जज कैसे करें बॉल को, तो पहली जो उसका जज करने का जो, अगर आपको जज करनी है बॉल पहले, तो आप अपना पोजीशन ठीक करो, अपनी स्टांस सही करो, तो ही आप जज कर सकते हो। तो फास्ट बॉलर को खेलने की एक और टिप ये है कि आप अपनी जो पोजीशन है बढ़िया पोजीशन में रहो, एकदम एक्टिव स्टांस लो। नेक्स्ट टिप ये है कीप योर हेड स्टिल। अपना सर जो है एक बॉलर के ऊपर रखो और कहीं हिलना नहीं चाहिए, और जब वो बॉल फेंकने जा रहा हो तो आपका जो फोकस है वो होना चाहिए बॉल पे। अगर
बॉल नहीं दिख रही है तो बॉलर के हैंड पे, इससे क्या होगा आप अर्ली प्रिपेयर कर लोगे एक बॉलर को खेलने के लिए, क्योंकि आपको भी पता है फास्ट बॉल खेलने के लिए 0.7 से 0.9 सेकंड ही मिलते हैं, जबकि ये पता करने के लिए आपको कौन सा शॉट मारना है। तो अगर अगर आप हाथ को नहीं देखते तो वो जो 0.9 सेकंड है वो कम होकर 0.5 आ जाते हैं, और अगर आप हाथ को देखते हो, उसकी रिस्ट पोजीशन देखते हो, सब कुछ देखते हो, तो वो 0.9 पे रहता है, तो आपको ज्यादा टाइम मिलता है खेलने के लिए। डोंट प्ले अग्रेसिवली, अगर सिचुएशन की डिमांड ये नहीं है कि आपको जाते ही मारना है तो जाते ही मत मारो। अगर आप जाते ही हिटिंग करने लग जाओगे और आपके पास बॉल लेफ्ट है तो बाद में आपको बहुत दुख होने वाला है, यार मैंने क्यों हिटिंग की। तो जाओ थोड़ा टाइम लो अपना, एक दो बॉल खेलो, पता करो पिच की क्या है, पिच में स्विंग हो रही है बॉल या एक्स्ट्रा बाउंस हो रहा है, क्या हो रहा है पिच में, वो पता करो, उसके बाद अपना गेम शुरू करो। उससे पहले जाओ एक एक रन निकालो, जो सामने स्ट्राइक पे खड़ा है उसको खेलने दो। हम कई लोगों की सोची होती है कि अब मैं ही हूँ, मेरे को ही मारना है, मैं जाते ही छक्के मारूंगा, तो ऐसा नहीं होता। आपको अपने आप को टाइम देना पड़ता है, आपके आके सेट होने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर टाइम नहीं दोगे तो आप हो सकता है आप पहली बॉल पे छक्का मार दो और अगली बॉल पे आउट हो जाओ, या फिर ये भी हो सकता है कि आप रोहित शर्मा की तरह मार जाओ डबल सेंचुरी पर, वो बहुत ही रेयर चांसेस में होता है। रोहित शर्मा भी अगर मान लो डबल सेंचुरी मारता है, क्या वो आते ही छक्के मारने लग जाता है? नहीं, वो अपना टाइम लेता है, वो आराम से खेलता है, दो तीन बोले कुछ बोले खेलता है आराम से। मान लो कि सिचुएशन के हिसाब से खेलना पड़ता है हमें, अगर सिचुएशन की डिमांड है कि हमें तीन बॉल में तीन छक्के मारने हैं तो वहाँ कोई चारा नहीं है, वहाँ आपको अग्रेसिव खेलना पड़ेगा। बट अगर आपके पास पूरे ओवर पड़े हैं कि अभी आप खेल सकते हो अपना गेम, तो आराम से खेलो, जज को पता करो कि बॉल कैसे आ रही है, बॉल स्विंग हो रही है कि नहीं, बॉल बाउंस हो रही है कि नहीं, उसके बाद कुछ बोले खेलने के बाद आप अपना गेम खेलो, जब आपको लगे कि हाँ भैया मैं मार सकता हूँ। आती है लास्ट टिप की बारी, तो लास्ट टिप ये है जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ, बी कॉन्फिडेंट। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि आप खेल सकते हो फास्ट बॉल, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आ रही, आप आराम से खेल जाओगे। और अगर आपके दिल में है कहीं पे भी कि नहीं यार ये फास्ट बॉलर है, ये मेरे को आउट कर देगा, या फिर ये ऐसे कर देगा वैसे कर देगा, ये मेरे को हिट कर देगा, मेरे को इंजर्ट कर देगा, तो आप नहीं खेल पाओगे। और अगर आपके दिमाग में है कि हाँ भाई चल वे कौन है ये, इससे बढ़िया तो मैं इसकी तो आज मैं बजाऊंगा, तो आप अपने आप भी बढ़िया खेलोगे। फास्ट बॉलर होगा, टैलेंटेड होगा, बट अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप उस फास्ट बॉलर को बीट कर सकते हो आराम से, उसके रन सिंगल निकाल सकते हो, डबल भी निकाल सकते हो, चौके भी मार सकते हो, छक्के भी मार सकते हो। बट सारा खेल क्या है क्रिकेट, कॉन्फिडेंस का है। कॉन्फिडेंस अगर आपका हाई है तो आप ऑटोमेटिक अच्छा खेलोगे, कॉन्फिडेंस लो है तो ऑटोमेटिक खराब खेलोगे। और कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? प्रैक्टिस करने से। तो आज की वीडियो में इतना ही, प्रैक्टिस करते रहो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट बनते रहोगे। कोई भी समस्या हो, मिडल नहीं होता, या फिर आप कनेक्ट नहीं कर पाते बॉल को, या टाइमिंग अच्छी नहीं होती, इन सबका एक ही इलाज है, प्रैक्टिस करो। बढ़िया प्रैक्टिस करोगे उतना आपका जो टैलेंट है वो निकलेगा। तो भाइयों आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। माफी चाहूंगा कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, बट कारण ये था कि क्योंकि हॉलीडे चल रहे हैं और फ्रेंड्स आते रहते हैं और टाइम नहीं मिल पा रहा था, बट आज मैंने स्पेशली टाइम निकाल के काफी दिनों बाद वीडियो बनाई है। अब से मैं कोशिश करूंगा हर दो दिन में एक वीडियो बनाने की। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, लाइक का एम है 150 लाइक्स का। और अगर आपको इनमें से कोई भी टिप अच्छी लगी हो तो बताना मुझे वो टिप आपको क्यों अच्छी लगी है, या फिर ये भी बता सकते हो कि कौन सी टिप अच्छी लगी है कमेंट बॉक्स में। शेयर कर देना, शेयर करने का मैं कहता हूँ, तीन लोगों के साथ अगर आप शेयर करोगे तो मेरी हेल्प हो जाएगी। अगर मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ तो आपका आपका फर्ज बनता है आप मेरी हेल्प करो। तो सिर्फ तीन लोगों के साथ अगर आप शेयर करोगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, वो तीन आगे तीन के साथ शेयर करेंगे, ऐसे चेन बन जाएगी, जय हो, मैंने भी देखी हुई है। और सब्सक्राइब कर देना मेरे नए दोस्तों, जो भी नया है चैनल पे, जब आप सब्सक्राइब करते हो हमारा मेरी मोटिवेशन बढ़ती है। जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मैं अपना कंटेंट सुधार रहा हूँ, वैसे वैसे मैं अपनी स्पीड बढ़ा रहा हूँ, वैसे वैसे और बढ़िया कंटेंट ला रहा हूँ। तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, शबक है, जय हिंद, हैव ए गुड डे।